हाउ आर यू, वेलकम टू द काइसेंस अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 3 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर प्लेस भी आपके शामिल है बहुत और पॉइंट्स के भी क्वेश्चन शामिल हैं। तो इससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के साइन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो स्टूडेंट, चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेस के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई कुड नॉट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर, क्यों उसने किलर को बयान नहीं किया। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द गर्ल नॉट कंपनी द सेकंड मैन, क्यों उसने सेकंड मैन को कंपनी नहीं दी थी। नेक्स्ट है, हाउ डिड द सेकंड मैन अक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ प्लेइंग। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ प्ले हिट लाइटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टूडेंट स्टडी ऑफ क्रिटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड क्रिटॉन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ ब्राइट नोट ऑन जनरल पार्क। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, 9 है, 10 करना है, 11 है और आपके पास 12 है। 13 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पीपल ऑफ होके बाय द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हैरी एडवाइस मिसेस मिकोचियन टू डू। नेक्स्ट है, व्हाट हैज हैपन टू क्ले फादर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देख लेने हैं, 15 है, 16, 17, 18, 19 ये आपने क्वेश्चन करने हैं। इंशाल्लाह अगर आप ये करेंगे आपको इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे, आपने इनमें से छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट के क्वेश्चन देखते हैं कि आपने कौन से करने हैं। सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास रेन, इसमें से आप क्वेश्चन करें, हाउ डज द सन शाइन आफ्टर रेन, व्हाट इज द थीम ऑफ पोइम। आपने रेन का जो आपके पास पोइम है इसका थीम याद करना है, ये आपको पूछा जाएगा। व्हाट इज पुअर लीव्स एंड रिच लीव्स, पुअर लीव्स क्या होते हैं और रिच लीव्स क्या होते हैं। नेक्स्ट नाइटमेयर में से जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एज ऑफ अ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ट्रेन ब्रिंग। नेक्स्ट है, ओ वेयर आर यू गोइंग, इसमें से जो क्वेश्चन है वो है, सिग्निफाई द टाइटल ओ वेयर आर यू गोइंग, इसके आपने टाइटल बयान करना है। नेक्स्ट, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स है, उसमें से जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई हैज द पॉइंट यूज्ड कैनन बॉल्स टू डिस्क्राइब द फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फील ऑफ द पॉइंट स्टैंडिंग इन द डार्क। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट, अ सिंधी वुमेन, इसमें जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द पॉइंट रिफ्लेक्ट्स सीइंग द सिंधी वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पिक्चर ऑफ द कराची स्लम्स डू यू गेट आफ्टर रीडिंग द पोइम। टाइम में से जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ टाइम। लेयर में से, व्हाट इज द मीन बाय पर्सोनिफिकेशन। इसी तरह इसका नेक्स्ट है रुबायात, व्हाट हैज मेड द एफर्ट ऑफ द मुस्लिम फ्रूटलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अब्राहम, व्हाट वाज हिज फेथ, इसका ईमान कैसा था। व्हाट इज वर्स देन स्लेवरी, ये करें। इसी तरह नेक्स्ट पोइम है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, इसमें से जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड द जापानीज बियर द पेन्स ऑफ द ब्लैक डे। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन करें। नेक्स्ट है माई नेबर, इसमें से ये वाले दो क्वेश्चन करें आप। नेक्स्ट है द डिलाइट सॉन्ग, इसमें से ये वाला ये करना है। नेक्स्ट है द गॉड एट्रीब्यूट्स, हाउ डू गुड एट्रीब्यूट सेव अस फ्रॉम सिंस, ये वाला क्वेश्चन आपने द गॉड एट्रीब्यूट से करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह आपको इन्हीं में से पेपर आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह हम जल्द आ जाओगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।